Hello everyone, I am Dr. Ankit Goyal. I welcome you all in my YouTube channel Ankit Finance Academy. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि एज ए इंडिविजुअल कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां पे आप अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे कि कौन से रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कौन से नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, आप कहां पे अपना मनी इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, वन बाय वन हम बात करते हैं सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एज ए इंडिविजुअल हमारे पास दो मेन सोर्सेज होते हैं जहां से हम इनकम अर्न कर सकते हैं। एक सोर्स होता है एक्टिव इनकम और दूसरा सोर्स होता है पैसिव इनकम। अगर हम एक्टिव इनकम की बात करें तो एक्टिव इनकम मींस एज ए इंडिविजुअल मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं मनी अर्न करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब करता हूं तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 30 डेज जॉब करता हूं या 10 डेज जॉब करता हूं, यानी जितना जॉब में ज्यादा इन्वॉल्व होऊंगा उतना मनी अर्न कर सकता हूं। अगर मैं एक बिजनेस मैन हूं तो मुझे बाय और सेल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो मैं मनी अर्न करूंगा। सपोज कर लीजिए मैं अपनी शॉप को क्लोज रखता हूं तो मैं मनी अर्न नहीं करूंगा। यानी कि एक्टिवली मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं या तो जॉब में या बिजनेस में, प्रोफेशन में या और भी किसी सोर्स में। तो ये जो इनकम आप अर्न करते हैं एक्टिवली इन्वॉल्व होके, ये आपकी होती है एक्टिव इनकम। एक दोस्तों इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, यानी आप कुछ करते नहीं है फिर भी आपका मनी ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं और बैंक में सपोज कर लीजिए 6% की इंटरेस्ट मिल रही है, तो अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा घर पर बैठा रहूंगा तब भी बैंक मुझे 1 साल बाद 1 लाख रुपीज प्लस 6,000 रुपीज मेरे अकाउंट में मुझे ट्रांसफर कर देगी। अगर मैंने एक शेयर बाय किया, सपोज कर लीजिए एक शेयर मैंने SBI का बाय किया और उसकी वैल्यू 300 है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बैठा हुआ हूं अपने घर पर, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा और वो शेयर 300 रुपीज से 350 का हो जाता है, तो ये जो मेरी इनकम ग्रो हो रही है जिसमें मेरा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपकी इनकम होती है पैसिव इनकम। तो एक इंडिविजुअल एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों ही इनकम अर्न करता है। एक्टिव इनकम डिपेंड करती है आपका क्या प्रोफेशन है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, किस लेवल का करते हैं, कितनी मेहनत आप करते हैं, कितना टाइम डिवोट करते हैं, कितनी स्किल्स आपके पास हैं, इस पे डिपेंड करती है आपकी एक्टिव इनकम। जितना आप ग्रो करेंगे, जितना आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, आपकी एक्टिव इनकम उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम में हमें कुछ नहीं करना होता, हमने केवल मनी इन्वेस्ट करना होता है और वो इन्वेस्ट ग्रो करता रहता है अपने आप धीरे धीरे। तो एज ए इंडिविजुअल हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपना मनी कहाँ इन्वॉल्व करें जिससे हमारा मनी ग्रो करे, हमें अच्छी रिटर्न मिले। तो पैसिव इनकम के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जहां पे आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल कहाँ कहाँ अपना मनी इन्वेस्ट कर सकता है और उसमें कितनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रहती है या कितना रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो हमें एक इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, देखो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि एज ए इंडिविजुअल सारे इंडिविजुअल सेम होते हैं कि हर कोई रिस्क लेना चाहता है या कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हर व्यक्ति का अपना एक अलग नेचर होता है और उस नेचर के अकॉर्डिंग वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है। तो हम अकॉर्डिंग टू रिस्क एक इंडिविजुअल को 3 पार्टीज में डिवाइड करते हैं। एक वो पर्सन होते हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी वो अपना मनी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां उन्हें श्योरिटी पता हो कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा, वो ये अनएक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं चाहते हैं। तो इन लोगों को हम बोलते हैं या तो रिस्क एवर्सर या हम इनको बोलते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। तो ये जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं ये लोग हमेशा मनी उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं जहां इनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लगता है। तो इन लोगों के लिए आइए जानते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बैंक में सेविंग अकाउंट। अगर ये सेविंग बैंक अकाउंट में अपना मनी डाल देते हैं, रख लेते हैं, तो इन पे इनको 3.5 या 4% की इंटरेस्ट पर एनम मिलती है। दूसरा ऑप्शन बात करें, हम दूसरे ऑप्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आप सेविंग बैंक में अपना पैसा डालें क्योंकि इसमें रिटर्न काफी कम है। दूसरा ऑप्शन है बैंक FD। दोस्तों बैंक FD में भी आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। ये अमाउंट सपोज कर लीजिए 1,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, आप कितने अमाउंट की भी FD करा सकते हैं। जो आप FD कराएंगे इस पर बैंक, अलग अलग बैंक, सारी बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ये सब अलग अलग इंटरेस्ट देती हैं। ये इंटरेस्ट जनरली 6% to 8% या 9% तक होती हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि FD पे कितनी इंटरेस्ट रेट करेंट में चल रही है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप चेक करिए कि कौन सी बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है और आप बैंक में मनी इन्वेस्ट करके, FD में इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं अपनी पैसिव इनकम।
आजकल दोस्तों कुछ बैंकों ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तब भी आप डायरेक्टली एफडी करा सकते हैं। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप डायरेक्टली एफडी में इन्वेस्ट करा सकते हैं बिना किसी अकाउंट ओपन किए। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, हम सबको पता है बहुत टाइम पहले से हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हुए आए हैं, तो पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम होती है, आरडी होती है, एनएससी होती है, एमआईएस होती है, इन सब में भी आप इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, आप एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। हालांकि ये रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं होता, ये भी 6-9% होता है, डिपेंड ऑन द स्कीम एंड डिपेंड ऑन द टाइम, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर फिर भी मैं ये कहूंगा ये अमाउंट आपका सेफ है कंपेरिव टू बैंक एफडी। बैंक में दोस्तों हम ये कहते हैं कि बैंक में एफडी आपका टोटल मनी सिक्योर है, पर ऐसा नहीं है कि इनकेस बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर बैंक डूब जाए तो मैक्सिमम आपका 1 लाख रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे देता हूं। दोस्तों ये जितनी भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊंगा इन सबके मैंने वीडियोस बना रखे हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से सर्च आउट कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल या जानकारी ले सकते हैं। तो आफ्टर पोस्ट ऑफिस हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की। दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि इसमें रिटर्न मिलता है आपको अराउंड 7.9-8%, रिस्क इसमें आपका जीरो है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, टैक्स एडवांटेज भी मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट हैं। अभी अभी गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2019 इंट्रोड्यूस किया है जिसने पहले वाले 1968 को रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। बट मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ये जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, बैंक एफडी है, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस है, आरडी है या और भी स्कीम्स हैं, या फिर पीपीएफ, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एक रिटर्न मिलता रहेगा इन अ सिक्योर वे। सेकेंड, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के, जो पहले टाइप के इन्वेस्टर थे वो थे रिस्क एवर्सर, यानी जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। सेकेंड जो इन्वेस्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं मॉडरेट रिस्क टेकर। मॉडरेट रिस्क टेकर वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, यानी वो क्या चाहते हैं कि जो उनका 100% मनी है उसका एक पार्ट 30-40% वो चाहते हैं कि सेफ रहे, सिक्योर रहे, नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट रहे, वहीं उसका कुछ पार्ट वो रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी वो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं मॉडरेट रिस्क टेकर। तो इसके लिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है आप जितना रिस्क लेंगे उतनी हाई रिटर्न मिलेगी और जितना कम रिस्क लेंगे उतनी रिटर्न कम मिलेगी, तो अगर आप एक ऐसे मॉडरेट रिस्क टेकर हैं जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में काफी बेनिफिट्स होते हैं, काफी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, पर म्यूचुअल फंड में रिटर्न की बात करें तो 15-20% आपको रिटर्न मिल जाता है जो बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, इन सबसे काफी ज्यादा है। और म्यूचुअल फंड में आप कह सकते हैं कैटेगरीज बहुत हैं, आपका मनी शेयर मार्केट में भी लग सकता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी लग सकता है, आप जो मनी इन्वेस्ट करते हैं वो मनी सारा वहां के जो प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर, एक्सपर्ट पर्सन, वो लोग आपके मनी को फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, इससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उनको एक बार जरूर देखें, आपको म्यूचुअल फंड की अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे और आपका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा आपको। एंड इट विल गिव मी अ प्लेजर कि अगर आपको अच्छा रिटर्न मिले मेरे वीडियो देखने के बाद, आपको कुछ भी अच्छा बेनिफिट होगा तो इट विल गिव हैप्पीनेस टू मी। दोस्तों आज के टाइम में हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कुछ पैसा वो इक्विटी में लगाते हैं, कुछ डिबेंचर में लगाते हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते हैं, तो इस तरीके से आपका पैसा सिक्योर रहता है, आपका पैसा डूबता नहीं है। एक डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन और है, आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। तो आप अगर एप्पल का मोबाइल रखते हैं अपने पास, आप माइक्रोसॉफ्ट का कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप गूगल यूज करते हैं, तो ये जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है ये इन्हीं कंपनीज में पैसा लगाते हैं और आपको पता है ये कितनी बड़ी कंपनीज है और इनमें आपको रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। तो इंटेंशनल म्यूचुअल फंड, अगेन आप मेरी वीडियो को देखें, उससे आपको जानकारी होगी इंटेंशनल म्यूचुअल फंड की और आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। पहले हमने फर्स्ट बात की थी रिस्क एवर्सर, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, दूसरी हमने बात की मॉडरेट रिस्क टेकर, जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं।
थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं हाई रिस्क टेकर, यानी ये वो लोग होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमें रिटर्न अच्छी मिले पर हम इसके लिए रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, शेयर्स में पैसा लगाएं। शेयर में अगर आप मनी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफी हाई रिटर्न के चांसेस हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक कंपनी है अवंती फीड्स। अवंती फीड्स में अगर आपने 2000 में 1,00,000 रुपए लगाए होते तो वो 2019 में आज के टाइम में करीबन 2.5 करोड़ रुपए हो गए होते, यानी इनमें रिटर्न बहुत ही अच्छा है। बट द पॉइंट इज, आपको नॉलेज होनी चाहिए शेयर मार्केट की, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और उसके बेस पे आपको थोड़ा थोड़ा मनी इन्वेस्ट करता रहना चाहिए। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको नॉलेज होती रहे, आप इसमें फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप शेयर्स बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। क्या होते हैं ये दोनों अकाउंट, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। आपको आसानी से समझ में आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट क्या होते हैं, कितने चार्जेस होते हैं इनके, कहां ओपन कराते हैं, सारी बातें आपको डिटेल में समझ में आएंगी। सेकेंड, जब आप शेयर बाय करते हैं तो हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं ये सारी जानकारी भी आपको एक वीडियो से मिलेगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि शेयर मार्केट की भी आप थोड़ी सी नॉलेज रखिए, आप शेयर बाय कर सकते हैं इजीली। आज के टाइम में आप मोबाइल के थ्रू ही बाय कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू ही सेल कर सकते हैं। तो नाउ इन अ केस ऑफ डिजिटाइजेशन इट्स वेरी इजी टू बाय एंड सेल थ्रू योर स्मार्टफोन। सेकेंड ऑप्शन हम बात करते हैं कि अदर देन शेयर आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है आपके पास रियल एस्टेट। आप प्रॉपर्टी में भी बाय या सेल कर सकते हैं, पर प्रॉपर्टी में बाय या सेल आप तभी कर सकते हैं जबकि आपके पास एक हायर अमाउंट है। अगर अच्छा खासा मनी है आपके पास तब आप प्रॉपर्टी में डीलिंग कर सकते हैं। इसमें भी रिस्क काफी रहता है, हो सकता है आपने जहां पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उन प्रॉपर्टी के प्राइसेस इंक्रीज ना हो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत वोलेटाइल मार्केट हो गया है, चीजें बहुत बदल गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक घर खरीदा, आपने एक जमीन खरीदी, उसके प्राइस इंक्रीज ही हो जाए। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो सकता है उसके मनी स्टेबल रहे और आपको रिटर्न ना मिले, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में। थर्ड हम बात करते हैं जो स्पेशली फीमेल्स का बहुत पसंदीदा ऑप्शन है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड, सिल्वर, बहुत से लोग गोल्ड इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड बाय करते हैं, सिल्वर बाय करते हैं और जब वो महंगी हो जाती है तो उन्हें सेल करके रिटर्न अर्न करते हैं। दोस्तों एज ए इंडिविजुअल मैं बात करूं तो आप पाएंगे कि हर घर में बहुत सारा गोल्ड इंडिविजुअल ने अपना रख रखा है और उसे बैंक लॉकर में रख रखा है। तो आप अपने गोल्ड को बैंक लॉकर से निकाल के अगर उसको इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम में, तो अभी आपका गोल्ड सिक्योर रहेगा, साथ ही साथ आपको रिटर्न भी मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की हुई है, गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप वहां से सीख सकते हैं कि कैसे अपने गोल्ड से आप फर्दर मनी अर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ जो लॉकर चार्जेस होते हैं बैंक के वो भी आपके बच जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी, हमने सबसे पहले शेयर्स की बात की, रियल एस्टेट की बात की, थर्ड हमने बात की गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, फोर्थ हम बात करते हैं दोस्तों कमोडिटी मार्केट की। तो जैसे आपका शेयर मार्केट है इसी तरीके से आपका एक कमोडिटी मार्केट है, जिसमें इंडिया की बात करें तो MCX है, जिसके थ्रू आप कमोडिटी को बाय या सेल करके मनी अर्न कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे बात करूंगा, मैं लास्ट कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इतने ही ऑप्शंस हैं, जस्ट बिकॉज वीडियो की टाइमिंग लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही बना रहा हूं। आगे भी मैं हर टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो लाता रहूंगा जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी होगी। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था करेंसी मार्केट की या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। तो हम इंडिया में रुपीज से डील करते हैं, US में बात करें तो डॉलर होते हैं, कनाडा में बात करें तो कैनेडियन डॉलर होते हैं, इसी तरीके से यूरोज होती है, हर कंट्री की एक अपनी करेंसी होती है। तो करेंसी में भी हम डील करके मनी अर्न कर सकते हैं, जो आपको डील करना पड़ेगा फॉरेन या करेंसी एक्सचेंज मार्केट में। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा आपके पास। तो दोस्तों हमने देखा कि ऐसे हमें ये चेक करना चाहिए कि हम रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिस्क लेना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए आप इनमें इन्वेस्ट करके एक अच्छी पैसिव इनकम, एक अच्छी रिटर्न अर्न कर सकते हैं। पर कुछ चीजों का आपको ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता, गवर्नमेंट ने इसने छूट दे रखी है कि अगर आपको जो भी इनकम मिलेगी फ्यूचर में उसमें आपको टैक्स नहीं देना। वहीं कुछ ऐसी इनकम है जिस पर आपको टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। तो जितने भी वीडियोस मैंने आपसे बताए हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया आपको कितना टैक्स देना होता है,
जैसे म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है वो डिपेंड करता है कि वो इक्विटी स्कीम है या डेट स्कीम है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो है, आप उसको देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उसका, जिससे आपको नॉलेज होगी कि म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लगता है या शेयर मार्केट में कितना टैक्स लगता है या बैंक एफडी पे कितना टैक्स लगता है। तो जितनी भी इनकम होगी कुछ टैक्स एग्जेम्प्ट है, जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है वो सेक्शन 80C to 80U मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, आज के टाइम में मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स और भी हैं जिसमें पैसा आपका शेयर मार्केट में डिवेंचर में लगता है इनडायरेक्टली, जैसे आपके यूलिप्स हो गए या आपका एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये भी बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है और ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में भी आपको बेनिफिट देते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। खासकर दोस्तों सीनियर सिटीजन की बात करें तो अगर वो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 0.5% का रिटर्न ज्यादा मिलता है, या गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन के लिए एक स्कीम बनाई हुई है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं और आप अपने ओल्ड एज पीपल को भी बता सकते हैं कि वो कैसे अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मनी इन्वेस्ट करके। तो आई होप आपको नॉलेज हुई बहुत सारे सोर्सेस की कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किस कैटेगरी में आते हैं आप रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से और अकॉर्डिंगली कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो मैं लिंक में आपको वीडियोस दे रहा हूं आप उनमें से कुछ वीडियोस को देख सकते हैं अपनी टाइम के अकॉर्डिंग और आपको अच्छी रिटर्न के ऑप्शंस मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनके सारे डिस्क्रिप्शन, उनका आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना टैक्सेशन है उन पे, मैच्योरिटी कब होगी, ये सारी चीजें मैंने उन वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरा वीडियोस में बताया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को, फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को फाइनेंस की नॉलेज हो और उन्होंने जो मनी इनकम अर्न की है, जो हार्ड मनी उन्होंने अर्न किया है, वो उसको बेटर प्लेस पे लगा के एक अच्छी रिटर्न कर सके। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।